हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ गुंजन और अभी हूँ ससुराल में और अभी हूँ अपने रूम में। मैं जल गई हूँ और दूध ही अभी भी सो रही है। रात में तो ठंड पड़ती है और कल दिल्ली से आने के बाद मेरी हो गई थी तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं अभी लेट जगी हूँ। 6:30 का टाइम हो चुका है, बाहर काम हो रहे हैं, गाय भैंस की साफ़ सफाई, उनके नीचे की ज़मीन की साफ़ सफाई, घर का झाड़ू पोछा। मुझसे अभी कुछ भी करने को नहीं बोला है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आवाज़ से भी आप समझ सकते हो। अब मैं उठी हूँ, अब देखूँगी बाहर जाके क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया कि यही हो रहा होगा। और दिवाली का दिन है और मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। कोई नहीं, देखते हैं शाम तक ठीक हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट हो ही चुकी है तो उम्मीद करूँगी लास्ट तक देखोगे आप, कम से कम स्किप करोगे। अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी करोगे। और यहाँ पे हो रही है सुबह के टाइम घर पे पूजा, घर के देवी देवताओं की और जो कुछ भी पूजे जाते होंगे उनकी पूजा हो रही है। तो यहाँ पे मेरी सबसे छोटी ननद जो है पूजा का सामान देती जा रही हैं और ये मेरे ससुर जी हैं जो पूजा कर रहे हैं। और इसी तरीके से होती है गांव में पूजा, गांव में क्या शहर में भी होती है, जिनके यहाँ ऐसे होती है घर परिवार के देवी देवताओं की पूजा, वो सब इसी तरीके से या अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दिवाली के दिन गाय भैंसों को भी सजाया जाता है। तो यहाँ पे नई नई मालाएं लाई गई हैं गाय के लिए, सींगों को चमकाया जा रहा है तेल लगा वगा के, तो यही सब चल रहा है। और ये मेरे देवर हैं जो ये सब कर रहे हैं। और एक तरफ देवरानी जो है गाय का चारा वारा डाल रही है और गाय के चारे में जो दलिया बना के डालते हैं वो बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। और अब शाम का वक्त हो गया है दूध निकालने का भैंस का, तो मेरी देवरानी ही जो है भैंस का दूध निकालेगी इस वाली का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोग भी देखो कि कितने अच्छे से निकालती है मेरी देवरानी भैंस का दूध। गाय भैंस तो हमारे यहाँ और भी हैं लेकिन अभी फ़िलहाल दो भैंस दूध दे रही हैं तो उन्हें यहाँ घर में ही बांधा जा रहा है, और जो नहीं दे रही हैं उन्हें दूसरा प्लॉट है हमारा, दूसरा घर, वहाँ बांध के रखते हैं ताकि एक साथ ये आपस में लड़ ना जाएं। ये पापा जी आए गए। पापा हेलो। अरे इसे भी दिखाओ ना। आइए हिमांशु, ममता से भी दिखाओ। किसे? चेता। तो अभी हम खेत जा रहे हैं। ये वही लड़की है। और अभी हम पहुंचे नहीं है खेत, अभी तो हम रास्ते में खेत पहुंच के मिलते हैं। चल रहे हैं कच्चे रास्ते पे, मुझे ये कच्चा रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। पीछे पापा जी, इधर पापा जी, और इधर बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। अब जमीन ठीक है, अब चलते हैं। अब जल्दी हुई और हिमांशु को दिखाऊंगा और विशाल को और सबको। सभी हम अपने खेत पे आ चुके हैं, मैं आपको अपना खेत का लुक दिखाता हूँ अभी 2 मिनट रुको, क्योंकि इधर बहुत मुश्किल हो रही है चलने में, इधर चींटियां भी बहुत सारी हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो खेत में मजा आ रहा है लेकिन जमीन कच्ची है, टूटी हुई है। ये किसके पौधे हैं पूछता हूँ। पापा जी ये किस चीज के पौधे हैं? ये सरसों के हैं, अभी सरसों के पौधे दिखाता हूँ आपको। ये है सरसों, मतलब हमारा खेत। उधर पापा जी और हिमांशु जा रहे हैं, उधर आगे हैं वो, देखो कितना आगे पहुंच गए।
और मैं अभी पीछे ही चल रहा हूँ वीडियो बनाता हुआ। देखो कितना कच्चा रास्ता है, चलने में मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। देखो तीनों खेल रहे हैं यहाँ पे, तो मम्मा खेत में काम कर रहे हैं, दिखवाए होंगे तो दिखवाए होंगे वरना नहीं दिखवाए होंगे। इस वक्त हमें रास्ते में, तो रास्ते में ही मिल गए हम, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है। फ्रेंड्स ये सूरज को देखो कितना ज्यादा लाल हो रहा है, उससे सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं की जा रही, इतना ज्यादा लाल हो रहा है। ये देखो घूम रहा है, आपको लगा होगा अगर ये सूरज है मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ, देखो कितना प्यारा है, लाल ही लाल है, कहाँ है ये वा? तो यहाँ पे दिन में जो है दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन बच्चे खेत पे चले गए थे सारे के सारे, ये चारों के चारों, और अभी शाम के वक्त लौट के आए हैं, तो आते ही इन्हें चाय दी गई है, जलेबियाँ दी गई हैं खाने के लिए ताकि इनकी थकान दूर हो, और मुंह हाथ धो तो लिए हैं इन्होंने, और चाय वगैरह पी के इनको नए कपड़े पहनाए जाएंगे क्योंकि दिवाली का टाइम हो गया है, पूजन का टाइम हो ही चुका है, खाना भी बन रहा है एक तरफ, और चाय पीने के बाद बच्चे जो है मस्ती के मूड में आ गए, एकदम फ्रेश हो गए हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पहले दिवाली मनाएंगे कपड़े बाद में पहनेंगे, तो पहले दो चार पटाखे फोड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ मस्त लग रहा है, बेल्ट लगा ली मैंने, तूने पैंट थोड़ा सा नीचे कर ले, अच्छी लग रही है। अरे तू तो मैंने देखा ही नहीं, बढ़िया लग रहे हो दोनों के दोनों, जाओ जाओ जा जा जा, बाय बाय, जाओ जाओ बच्चे जो है अपने पापा जी के साथ नए कपड़े पहन के मंदिर की तरफ निकल गए हैं, मंदिरों पे दिए जला के आएंगे और खील बतासे बांटते हुए आएंगे, और यहाँ पे सबके घरों पे, घरों की छतों पे जो है दीपक जला दिए गए हैं, लाइटिंग वाइटिंग लगा दी गई है बाहर की तरफ, मैं बाहर की तरफ नहीं गई इसलिए नहीं दिखाया, और कुछ रिकॉर्डिंग मैंने की है कुछ मैंने की है, तो यहाँ दिए भी लग गए हैं सबकी छतों पर, और दिवाली का मतलब अच्छा लग रहा है ये देख के। खाना वाना रेडी कर रही हैं हम लेडीज़ घरों में, और ये बच्चे आ गए हैं मंदिर पे से, पहले मयंक आया, रूही आई, पीछे पीछे हिमांशु आ रहा है, विशाल आ रहा है, और उनके बड़े पापा जी आ रहे हैं साथ में, तो ये बच्चे आ गए हैं, और अब इन्हें पूजा नहीं करनी है, पहले बम पटाखे फोड़ने हैं, तो ये सब लोग अब जिद कर रहे हैं, बम पटाखे मांग रहे हैं, तो इन्हें बम पटाखे दे देते हैं पहले जब तक पूजा का समय नहीं हो रहा है, तो ये बम पटाखे फोड़ेंगे। और इस बार मैग ने दिवाली में खूब सारे अनार फोड़े हैं, चकलियां जलाई हैं, बहुत सारे बम फोड़े हैं, तो इसने फुल एंजॉय किया फर्स्ट टाइम, ये अब 11 साल का हो गया, 10 साल का हो गया है, तो इसने इस साल बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई है, क्योंकि अभी तक ये डरता था पटाखों से लेकिन इस साल नहीं डरा है, खुद से ही बम पटाखे सब कुछ जलाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरे सासू माँ और ससुर जी जो है दीपावली पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से गांव में होती है, प्लीज़ ऐसे मत कहना कि ऐसे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, गांव में जिस तरीके से हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं, मेरी सास के सास ससुर करते आए हैं, तो अब मेरे सास ससुर भी वैसे ही कर रहे हैं और वैसे ही हम लोग भी करेंगे, और हम लोग भी सब उसी तरीके से पूजा पाठ करेंगे जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो चलिए पूजन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं।
फ्रेंड यहाँ पे हो रही है लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती, ठाकुर जी की आरती। तो वीडियो का एंड भी अब मैं यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, थोड़ी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और न्यू फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एक छोटू सा व्लॉग।